मैं आपका अपना दीपक यादव आपके बीच में हूँ एक छोटी सी बात को लेकर, एक टॉपिक को लेकर। जैसा इस लॉकडाउन के दिनों में मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, बहुत सारी क्वेरीज उनकी आई कि सर ऑनलाइन स्टडीज हम क्या करें, हाउ टू यूटिलाइज द लॉकडाउन वेरी बेनिफिटली, हम उसको कैसे बेनिफिट उठाएं उसका। तो बच्चों इस बारे में मैं पेरेंट्स का भी सबको सबके सामने इसके बड़ी परेशानी वाली सिचुएशन आ रखी है, तो इस बारे में हम बात करते हैं कि देखिए छुट्टियां बच्चों सबको अच्छी लगती हैं, हम लोग ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अनएक्सपेक्टेड हमें इतनी सारी छुट्टी मिल जाएंगी, बट अब ये छुट्टियां भी अच्छी लगनी बंद हो गई हैं क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, घर में कुछ काम नहीं है, खा लिया सो लिया पी लिया बस। स्टडीज को लेकर भी हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए, कैंसिल भी हो गए, हम नई क्लास में प्रमोटेड हो गए छोड़ के बोर्ड की क्लासेस को, तो हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है कि पढ़ें तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो करें तो क्या करें। उसी चीज को उसी बात को लेकर बच्चों आप लोगों के बीच में हूं आज, तो इस टॉपिक को इस वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देखें, पूरा एंड तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए इसमें बच्चों छोटी सिचुएशन ये आती है हमारे सामने कि जब आप घर पर हैं अब, तो जब अगर हम अब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इस छुट्टियों को इन लॉकडाउन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस, जैसे स्कूल्स आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराती हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस को डेली पर्पजली यूज कीजिए। आप उसका वीडियो पहले ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस को, फिर उसका होमवर्क, उससे रिलेटेड क्वेरीज कीजिए, टीचर से बात कीजिए, दैट इज अबाउट स्टडीज। स्टडीज के अलावा मैं और चीजें बात करने वाला हूँ आपके सामने। देखिए इस लॉकडाउन के अंदर बच्चों हम लोगों को कुछ ना कुछ हम नया कुछ कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, किसी को कोई भी इस लॉकडाउन को यूज करते करते हम आपके अंदर एक ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मैं जब भी इस लॉकडाउन के बाद निकलूंगा, मैं अपने घर से निकलूंगा, स्कूल जाऊंगा, तो मेरे अंदर कुछ नया हो, मैं कुछ ऐसा नया लेके जाऊं कि लोग मुझे कहें कि अरे वाह ये आप में इतना चेंज कैसे आया। आप इसको इस तरह से यूज करें, घर पर रहकर बुक्स पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं, अपने दोस्तों से सीख सकते हैं, घर में जो लोग सिबलिंग्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आपको आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है मोबाइल में, आप गूगल पे जाइए, सिंपली आपको जो पढ़ने का जो करने का मन है वो आप उस पर कीजिए। आपको म्यूजिक सीखना है, आप म्यूजिक से रिलेटेड बैकग्राउंड चेक कीजिए, कौन अच्छे म्यूजिशियन है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे अवेलेबल हो सकती है। किसी को स्टोरीज पढ़ने का शौक है, बुक पढ़ने का शौक है, नई चीजें सीखिए, इंस्पायरिंग स्टोरीज सीखिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप अपने रूटीन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं सबसे पहले रूटीन पे आता हूँ, बिकॉज रूटीन ही है जो हमारे को नया चीज सीखने में मदद करेगा। अदरवाइज हमारी मेंटली हम लोग सिक हो जाएंगे घर पे बैठे बैठे, हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक का सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से व्हाट्सएप है उस पर रोज नए मैसेज आते हैं, कोरोना ने ये हो गया, कोरोना का ये, मत देखिए, डोंट बी नेगेटिव, आप उन सब चीजों पर मत ध्यान दीजिए। बिकॉज देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सचेत नहीं रहना, वी हैव टू बी केयरफुल, हमें अच्छे से रहना है। क्योंकि देखिए हम जब स्टार्टिंग में करीब 15 मार्च के आसपास हमारा स्कूल जब छुट्टियां की गई थी, तब हमें ही नहीं पता था कि पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा, बच्चों में बड़ी खुशी खुशी घर चले गए, कि फिर हमें एक होप थी, उम्मीद थी कि चीजें जल्दी ठीक होंगी। फिर कुछ टाइम बाद पूरे देश में लॉकडाउन अनाउंस हो गया 21 दिन का, हमने सोचा कि 21 दिन बाद चीजें ठीक होंगी बच्चों, फिर हमने देखा कि फिर और दोबारा से लॉकडाउन 19 डेज का 3 मई तक आगे एक्सटेंड हो गया। तो ये चीजें हम आशा करते हैं, वी होप कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए चीजें, बट एक कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट बट रेडी बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, आप अच्छे के लिए उम्मीद कीजिए बट तैयार भी रहिए। तो हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि हमारी स्कूल्स कब खुलेगी, बिकॉज स्कूल इज ए गैदरिंग प्लेस, तो जहां पे गैदरिंग होती है बहुत टाइम लग सकता है उन चीजों को, तो हम उस टाइम को बेकार क्यों जाने दें। अच्छे आप दूसरों से अलग कैसे लगेंगे बच्चों, दूसरों से अलग बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा घर पे। आपको ये नहीं सोचना कि स्कूल खुलेंगे तब हम पढ़ लेंगे, अभी तो मस्ती के दिन है टाइम। आप अगर ये नहीं कर रहे तो आप रोज पीछे जा रहे हैं। आप ये समझिए कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो आपसे 2 कदम रोज आगे बढ़ता जा रहा है। और पर्पस बनाइए, पर्पस कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपके पास पर्पस है, आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे इसलिए सोचेंगे कि मुझे क्यों पढ़ना है अभी छुट्टियों में, या फिर अभी ऑनलाइन स्टडीज में मुझे समझ में नहीं आता। हम बहाना बना सकते हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं चलता, बट यू हैव टू मैनेज द थिंग्स, क्योंकि आप तो 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। तो आपको बच्चों आगे अगर कुछ अच्छा दिखना है, आपके पास ये पर्पस है, जैसे सर स्कूल खुलेंगी, जैसे हम लोग स्कूल जाएंगे,
तो देर विल बी एग्जाम्स एंड ए लॉट ऑफ बर्डन, हमारे ऊपर बहुत सारी प्रेशर होगा, तो वो प्रेशर एकदम एक साथ ना आए। मैं इस बार नया नई क्लास में जा रहा हूँ, तो मैं जैसे ही लॉकडाउन के बाद जाता हूँ उसके बाद मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, मुझे अच्छे मार्क्स मिले, एक पर्पज है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मैं एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मैं क्लास में रैंक पे आ सकता हूँ, एक पर्पज बनाइए। आपके पास कौन कौन बच्चा, एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, कौन कौन क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पे आना चाहता है? यस, आप सब आना चाहते हो, बट आ क्यों नहीं पाते हो? जो आते हैं और आप जो नहीं आ पाते, उनमें क्या डिफरेंस है? देर इज अ बिग डिफरेंस कि आपके पास पर्पज नहीं है, आपको क्यों आना है। एक हमारे पास पर्पज होना चाहिए, मुझे मम्मी पापा को दिखाना है, या मुझे मेरे घर में प्रूव करके दिखाना है कि आई कैन, या खुद को प्रूव करना है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन बच्चों। सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए आपके पास एक पर्पज होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है ऐसा। तो मुझे जो करना है उस चीज के लिए मुझे बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और आप देखना जब मन से चीजें करने लगोगे तो आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आपको ये दिक्कत, ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि टीचर मुझे बोलता है, डांटता है, इसलिए मैं वर्क करता हूं। आप अभी घर पे हैं, खुद से वर्क कीजिए, खुद से ऑनलाइन स्टडीज का बेनिफिट उठाइए बच्चों। आपको मैं रूटीन की बात कर रहा था, तो रूटीन के लिए आपको बहुत अच्छी सिंपल सी बात है, सुबह जल्दी उठिए। मैं खूब आपको छुट्टियां हैं इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप 4 बजे उठ जाइए, बट 5:30-6 बजे तक आप आराम से उठ सकते हैं, बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले। आप एक्सरसाइज कीजिए, घर वालों का हेल्प कीजिए सुबह किसी चीज में काम करने में, तो आपकी एक्सरसाइज भी होगी। योगा कर सकते हैं आप सुबह सुबह, घर की छत पर घूम सकते हैं, बाहर हम नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद आप अपनी स्टडीज को लेकर बैठिए। सुबह सुबह का बहुत पीसफुल वेदर होता है, प्लीजेंट वेदर होता है, तो आप सुबह सुबह पढ़ाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। पढ़ाई कीजिए, उसके बाद फिर से घर वाले की हेल्प कीजिए, फिर खेलिए, गेम्स खेलिए, कुछ नया कीजिए, पढ़ना। आप भाई बहन है, बैठ के कुछ डिस्कस कर सकते हैं, क्विज़ेस कर सकते हैं अपने अंदर आप। और मैं ये कहता हूँ कि इन छुट्टियों में मैं जो स्पेशली जो और थोड़े से बड़े बच्चे हैं, जो आगे आने वाले टाइम में जिनके सामने करियर अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, वो ये डिसाइड कीजिए कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। मैं बहुत सारी बार बच्चों से पूछता रहता हूँ क्लासेस में और भी बच्चों से स्कूल में कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर। बच्चे डॉक्टर इंजीनियर का नाम ले देते हैं या उनको पता ही नहीं है क्या बनना चाहता हूँ। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं कंडक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों बच्चे? क्योंकि वो सबसे पैसे लेता है बस में, तो देर उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, उनको पर्पज नहीं है उनके पास। इन छुट्टियों में बच्चों पर्पज डिसाइड कीजिए। आप शांति से बैठ के देखिए, आप ये सोचिए कि आपके आसपास कौन ऐसे लोग हैं जिनको देखकर आप इंस्पायर होते हैं, वो क्या है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? आज कोरोना में डॉक्टर सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आप वो बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, आप ये डिसाइड कीजिए। और रूटीन पे फोकस कीजिए, स्पेशली आप अगर इन छुट्टियों को यूटिलाइज करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, डेफिनेटली ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चांस मिला है आपको। कैसे उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरे आने वाले वीडियोस देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और नई नई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देता रहूंगा। और एक छोटी सी बात, जो बोर्ड क्लासेस वाले बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स अभी हो सकते हैं आने वाले टाइम में जल्दी ही, जैसे ही RBSE एंड CBSE दोनों ने अरेंज किया हुआ है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो विद इन 10 डेज वो एग्जाम कराएंगे, तो आपके पास डेट्स भी आ जाएंगी, आ गई होंगी ऑलमोस्ट, तो आप उन एग्जाम्स में जो एग्जाम्स आपके बच गए थे उन सब्जेक्ट्स के ओल्ड पेपर, पुराने पेपर्स को यूज कीजिए। ये तो आप लोगों के लिए एक नई पहल है, एक नई चीज है, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं थी उनको भी वक्त मिल गया 1.5-2 महीने का। अभी भी आपके पास 20 डेज एटलीस्ट, अगर एग्जाम होते भी हैं तो लॉकडाउन खुलते ही, तो यू कैन मैनेज। आप पढ़ सकते हैं, एक पर्पज बनाइए क्यों पढ़ना है मुझे। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा रूटीन फॉलो कीजिए। और कुछ भी आपकी अगर क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो मुझे पूछने के लिए शेयर कीजिए। आज मैं आपके बीच में ये छोटी सी बात लेकर हूँ, आगे और फिर नए वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे होम।